नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है पिप्जो इंजेक्शन। पिप्जो इंजेक्शन जो कि एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है और ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। ये अन्य एंटीबायोटिक इंजेक्शन से बिल्कुल अलग है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन जो सुविधा युक्त हॉस्पिटल और क्लिनिक है सिर्फ उसमें ही इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों पिप्जो 4.5 ग्राम इंजेक्शन, इसमें पाया जाता है पिप्रासिलिन 4000 mg और टेजोबैक्टम 500 mg। ये तीन वेरियंट में मिलता है, 1125 mg, 2250 mg और 4500 mg। इसका जो 1125 mg का जो कीमत होता है वो होता है 99 rupees। साथ साथ जो 2250 mg का इंजेक्शन होता है उसका कीमत होता है 189 rupees, और जो 4.5 ग्राम का जो इंजेक्शन होता है उसका कीमत होता है 305 रुपये। तो ये बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है, लेकिन इसका इस्तेमाल आमतौर पर नहीं होता है। जब अन्य एंटीबायोटिक इंजेक्शन काम नहीं करता है उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है या फिर हॉस्पिटल एक्वर्ड निमोनिया है उसमें करते हैं। साथ साथ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्टोमक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, PID, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, ब्लड का इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, ऑपरेशन के बाद का जो इन्फेक्शन होता है उसको सही करने में काम आता है। जब ऑपरेशन के बाद में टाके पक जाते हैं या फिर घाव सही होने में नहीं आता है, मवाद आता है, पस आता है, तो उस समय भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ये किस प्रकार से काम करता है, देखिए इसके अंदर जो पिप्रासिलिन है ये पेनिसिलिन ग्रुप का एक एंटीबायोटिक है। साथ साथ जो टेजोबैक्टम है ये एक प्रकार का बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, और इसका इस्तेमाल ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया पर होता है। साथ साथ जो एरोबिक और एनारोबिक जो बैक्टीरिया है उन पर भी इसका इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जब पिप्रासिलिन बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर घुस के उसको नष्ट करता है तो उस समय जो टेजोबैक्टम है ये बाहर से उसको सपोर्ट देता है, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, उसको कमज़ोर होने नहीं देता है, जिससे पिप्रासिलिन बहुत अच्छे ढंग से काम करता है और बैक्टीरिया का जो सिंथेसिस है वो नहीं होने देता है, बढ़ने नहीं देता है उसको, और उसको पूर्ण रूप से किल कर देता है, जिसकी वजह से संख्या में वृद्धि ना होने से और वो पूर्ण रूप से मरने से बीमारियां बहुत जल्दी सही हो जाती है। इसका इस्तेमाल हमेशा सावधानीपूर्वक करना चाहिए और हॉस्पिटल और सुविधायुक्त क्लिनिक में ही इसका इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, वरना इससे कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है। इसका इस्तेमाल जो किडनी के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट, प्रेग्नेंट लेडीज़, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, इनको देने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर की निगरानी में ही इस इंजेक्शन को लगना चाहिए, और इस इंजेक्शन से आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ है पहले क्या तो वो भी डॉक्टर को बताना चाहिए। किसी प्रकार की एलर्जी अगर इससे है आपको तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। साथ साथ इसको लगाने से पहले हमेशा AST टेस्ट किया जाता है ताकि पता चले कि आपको इससे किसी प्रकार की कोई एलर्जी तो नहीं है, ये आपको शूट कर रहा है कि नहीं। अगर इसकी डोज की बात करें तो आमतौर पर इसका 100 mg से लेके 150 mg प्रति kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको लगाया जाता है, यानी कि जो एक नॉर्मल वयस्क है उसको 4.5 ग्राम का एक इंजेक्शन सुबह और एक इंजेक्शन शाम को लगाने की सलाह दी जाती है। बहुत अधिक ज़रूरत होने पर इसका 3 इंजेक्शन सुबह दोपहर शाम 3 बार या फिर प्रति 8 घंटे के अंतर से इसको देना चाहिए। बहुत ही खतरनाक कंडीशन में इसका 4.5 ग्राम का 4 इंजेक्शन एक दिन में लगाया जाता है। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इससे उल्टी, उपकाई, गैस, अपच आदि परेशानी हो सकती है, साथ में दस्त, पेशाब में जलन, सिर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द,
साथ में रैशेज होना, चेहरे पर या पूरे शरीर में सूजन होना, ये सब समस्याएं हो सकती है। अगर इस प्रकार की समस्या है तो मेडिसिन छोड़ने के बाद में ये अपने आप सही हो जाती है, और परेशानी आपको ज़्यादा ही हो रहा है तो आप इसको लगाना बंद कर दें या फिर डॉक्टर आपको इसका उचित जो है इंतजाम कर सकते हैं। इससे जो परेशानी हो रही है उसका समाधान आपके डॉक्टर अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए ऐसे डॉक्टर से इस इंजेक्शन को लगवाइए जो कि विशेषज्ञ है, हॉस्पिटल या क्लिनिक में ही आपको ये सब सुविधा मिल सकती है। तो दोस्तों, पिप्जो इंजेक्शन के बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी, और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है हमारा वीडियो, हमारी जानकारी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।